खबर महाराजगंज से है, जहां जिलाधिकारी अनुनय झा ने गुरुवार को गौशदन मधवलिया का निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने गौशदन की आय को बढ़ाने का विचार विमर्श किया, साथ ही गायों को और बेहतर सुविधा और ग्रासलैंड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने इनकी अच्छे से देखभाल करें, जिससे भोजन के लिए चारा के उचित प्रबंध के लिए व्यापक पैमाने पर गौशदन में ग्रासलैंड की बुआई की जाए, जिससे इन्हें खाने के लिए हरे चारे की कमी नहीं हो, पेयजल का उचित प्रबंध किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मधवलिया गौशदन जिले की शान है, इस गौशदन का जितना विकास होगा जनपदवासियों के लिए बेहतर होगा। वही साथ वरिष्ठ साइंटिस्ट द्वारा मधवलिया गौशदन का निरीक्षण किया है, भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे एमपी चारी, ग्रीनी ग्रास, दरस्त घास से 30 से 35 एकड़ की पायरिनियल चारी को लगाया जाए, क्योंकि स्वावलंबी होती है, जिसकी आयु 5 से 7 वर्ष होती है, जो गायों को पौष्टिक भी मिलेगा। आज मधवलिया गौशाला में जिला प्रशासन की पूरी टीम एवं IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ साइंटिस्ट के द्वारा गौशाला का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे ये निर्णय लिया गया है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो फॉडर होते हैं, जो चरी होती है, जैसे एमपी चरी, गिनी ग्रास, नेपियर हाइब्रिड, दशरथ ग्रास इत्यादि, इनका प्रोडक्शन मधवलिया गौशाला में लगभग 30 से 35 एकड़ में किया जाए। और क्योंकि ये पेरिनियल चरी होती है कि लगातार 5-7 साल तक इसका प्रोडक्शन होता है, तो उससे हम लोग अपने गौशाला में को स्वावलंबी भी बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ पे फॉडर और सीड रिसर्च के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमने चर्चा की और चिंता किया कि चरी और उसकी जो बीज होती है उसको कैसे हम लोग उसका रिसर्च यहाँ पे कर सकते हैं, और उसके लिए भी रणनीति हम लोग बना रहे हैं। आशा है कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट ला पाएँ, जिससे कि जो भी गौवंशों को हरे चारे एवं पौष्टिक आहार की जो समस्या है हमारे जो गौवंश हैं मधवलिया में, उसको हम लोग दूर कर पाएँ। सर, यहाँ पे आजीविका मिशन के तहत कुछ ओपले भी बनाए जा रहे थे, वो काम बंद है सर? उस पर अभी दिखवा लेते हैं, वीडियो से आपको कहा जाएगा। जो ओपलों का काम तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा था, बट हाँ ज़रूर ये था कि जैविक खाद का काम था, उसमें प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि कितना यहाँ पे गोबर का प्रोडक्शन होता है उसको भी।